फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अभी जो है ना इवनिंग का टाइम हो गया और पानी आ रहा है, तो नीचे सारे पौधों में डाल के ऊपर आ गई मैं। और ये देखिए, रुमा ने चाय बनाई थी तो ऊपर ही चाय लेते आई हूँ। थोड़े से कपड़े धोए थे तो कपड़े सारे थे तो कपड़े उतार लिया और जो है कि सारे पौधों में पानी डाल दिया। और बड़ा वाला जो डब्बा है ना उसको भी लगा दिया, भर रहा है वो। और मैं अपनी चाय यहीं पर लेकर बैठ गई हूँ क्योंकि अभी हस्बैंड आए नहीं है। फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 7 बज रहा है लेकिन अभी हस्बैंड आए नहीं है, तो मैं बस ऐसे ही आ गई यहीं पर चाय पीने के लिए। मैं कपड़े उतार लेती हूँ, यहीं बैठे बैठे ना फोल्ड कर दूंगी और उसके बाद जो है कि डिनर की तैयारी करूँगा। सुना है इसको इतना जगा रही हूँ ना, ये उठ नहीं रही है। कब से इसको जगा रही हूँ कि उठ जाओ। करी नहीं, मम्मी मुझे सोने दो। ये सो लेगी फिर रात में सोती नहीं है। 12, 1 बजे तक, 2 बजे तक ये जागती, कहेगी मम्मी मुझे नींद नहीं आ रही। फिर पढ़ाई करती है, थोड़ा खेलती है, ये सब करती है रात में। फिर अलमारी में कपड़े रखने थे बच्चों को, मैंने रख दिया। और जो नीचे ले जाने, ये देखिए मैंने ना इस तरीके से गांठी बांध लिया है और बस लेकर चलते, क्योंकि इतना ज्यादा कपड़े है ना तो फिर हाथ से कैसे उठा के लेकर जाऊं। तो ऐसे बांध लिया और चलिए, इधर कप वप भी है, चाय वो पिया था, तो ये सब लेकर चलती हूँ नीचे। तो फ्रेंड्स, कपड़े पड़े मैंने नीचे ला के रख दिया था और जो है कि पानी ने सब भर गया था और टाइम हो गया था 7, 7:30 बज गए थे, तो डिनर का भी टाइम हो गया था। तो मैं मार्केट आ गई थी, कुछ सब्जियां वगैरह लेनी थी और रूमा को खाना था कटहल, तो कह रही थी दीदी कटहल लेकर आना मार्केट जाना, तो फिर मैं आ गई थी। और ये जो कटहल है ना, सिर्फ इन्हीं भैया के यहाँ मिलता है और 12 महीने मिलता है, मतलब हमेशा पूरे साल ये बेचते हैं और सिर्फ इन्हीं के पास जो है कि कटहल मिलता है। बाकी शनिवार को जो मार्केट लगती है ना तब तो मिल जाता, लेकिन रेगुलर बेस पे यही बेचते हैं। तो यहाँ से मैंने कटहल ले लिया और आ गई थी घर, कुछ सब्जियाँ और लिया और उसके बाद घर आ गई थी। तो रुमा ने बोला दीदी रहने दो, मैं बना देती हूँ सब्जी। तो फिर मेरा ना अलमारी इतना ज़्यादा मैसी हो रखा था, बहुत ज़्यादा, कई दिनों से सोच रही थी रखने के लिए लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैं जो है ना अलमारी अपनी जो है ना सही से सब कुछ रख देती हूँ, क्योंकि नए पुराने कपड़े सब ऊपर नीचे के कपड़े कुछ ना बच्चों के मिक्स हो गए थे। तो फिर मैं ये जो है कि आराम से यहीं बैठ गई थी कि बार बार क्या उठना इधर उधर जाना, फिर मैं यहीं बैठ के चौपट रही कि सारे कपड़े फोल्ड करके अच्छे से अलमारी में सेट कर दूंगी, रख दूंगी अच्छे से। और यहाँ पे देखिए गाइस, सब रख दिया था कपड़े अलमारी में, एकदम अच्छे से सब कुछ रख दिया था। और इधर देखिए, तो ये सोना का एक जोड़ी कपड़े था ना, ये जो नया वाला उसका था, तो ये जो है कि इसको मैं रख रही हूँ क्योंकि अभी पहनेगी नहीं, अभी जो है कि रख दूंगी इसको, जब इसको पहनना होगा तो इसमें से निकाल लेगी। और यहाँ पे कपड़े सब रख गए थे, रूमा डिनर भी बन गया था, रूमा ने ही बना दिया था आज। और ये देखिए, फिर अपना थोड़ा बेडशीट वगैरह सही करूँगी। इसके बाद गाइस, ये देखिए हो गई है मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में बस वही बच्चों का लंच बॉक्स तैयार करना था हस्बैंड के लिए खाना, तो आज जो है ना मसूर की दाल मैं बनाऊंगी हस्बैंड के लिए और लंच में खाने के लिए। और ये देखिए आलू और मूली थोड़ा सा लाए थे, मूली के पत्ते ना, तो इनकी भुजिया बनाऊँगी बच्चों को लंच बॉक्स में पैक करके देने के लिए। तो बस यही, कढ़ाई भी चढ़ा दिया है, सब कुछ काट पीट के रेडी कर लिया है। तो बस वही जीरा डालूंगी, थोड़ा सा हींग डाल दूंगी और तड़क जाएगा, तो बस वही लहसुन और थोड़ा सा मिर्च डाल के इसको भी फ्राई कर लेना, मतलब भून लेना, ब्राउन कर लूँगी। सिंपल सी भुजिया जैसी बनती है वैसी बना लूँगी, बस इसमें आलू डाल देना। थोड़ी देर इन आलूओं को जो है कि फ्राई करने के लिए धीमी आंच पे छोड़ दूँगी कि इधर धीमे धीमे फ्राई होगा, उसके बाद जो है कि मैं मूली के जो पत्ते हैं ना उनको बाद में डालूँगी। और इधर गाइस, मैंने अपना कुकर भी चढ़ा रखा है क्योंकि मॉर्निंग में इतना ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है कि एक एक चीज़ बनाओ, तो फिर इधर मैं दाल की भी तैयारी कर रही हूँ, तो यही ऑयल गर्म हो गया था तो मैंने कुकर में बना रही हूँ, फटाफट हो जाता है इसमें। तो फिर उसमें देखिए हींग डाल दिया था, और ये देखिए उसके बाद हींग चटक जाएगा ना, तो फिर ये देखिए प्याज, 2 खड़ी मिर्च को, हरी मिर्च को कट कर लिया है, और लहसुन है, लहसुन को थोड़ा सा कूट लिया था मैंने, डाल देंगे, इनको भी ब्राउन कर लेंगे, ज़्यादा एकदम ब्राउन नहीं करना, हल्का सा ब्राउन करना है। और मसूर की दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है, घर में सभी को स्पेशली बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लंच में आके वो लोग खा लेंगे। इधर देखिए, मैं इधर आलू भी देख रही हूँ, तो आलू इधर मेरा हो गया था, मतलब हो गया था, थोड़ा अच्छा सा लाल सा फ्राई हो गया था, भुन गया था। तो फिर मैंने प्याज भी, ये मूली डाल दिया था और साथ में नमक डाल दूँगी, थोड़ी देर और इनको पका लेंगे, हमारी भुजिया भी रेडी हो जाएगी इधर।
अब बस गाइस सीधा देखिए हमारा जो है ना प्याज मिर्च उर्च भुन गया था, अच्छा सा ब्राउन हो गया था। तो ये देखिए मैं मसाले डाल दूँगी, जो रेगुलर के मसाले होते हैं ना वही मसाले डाली, गरम मसाला नहीं डाली हूँ। वही मिर्च धनिया पाउडर हो गया, जीरा काली मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर सब कुछ डाल रही हूँ। चला लूँगी इनको अच्छे से, मसाला भून लूँगी। और इसके बाद गाइस मुझे ना डालना था टमाटर, बस टमाटर ख़त्म था और मैंने कल एकदम ध्यान ही नहीं आया, फ्रिज भी नहीं चेक किया था कि टमाटर नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब जो बना रहे हैं तो बनाना ही है ना, क्योंकि अब इसको छोड़ तो नहीं सकते। फिर ये देखिए दाल को मैंने पहले से ही भिगो दिया था, 10-15 मिनट के लिए भिगो देना तो बहुत जल्दी दाल पक जाती है और बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो बस दाल को डाल के इसमें कुछ मिनट जो है कि दाल को भी भून लेंगे मसालों के साथ में। और ये देखिए गाइस उसके बाद मैंने डाल दिया है पानी और साथ में डाल देंगे नमक। तो बिना टमाटर के भी बहुत टेस्टी बनती है ये दाल, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती ही है। तो बस पानी थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है ना, तो ये दाल जैसे हो जाती है ना तो फिर ना ये थोड़ा सा थिक हो जाती है, तो थोड़ा इसीलिए पानी में थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ। तो बस इसको एक दो सीटी लगा लेंगे, दाल भी रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए सीटी लगाने के लिए मैंने ढक्कन लगा दिया, इधर मेरी जो भुजिया भी तैयार हो गई है। अब फटाफट से मैं बना लूँगी रोटी अपनी। बस फ्रेंड मेरा सारा बच्चों का जो लंच बॉक्स तैयार हो गया। ये देखिए दाल दिखा रही थी मैं तो कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है ना, तो ये देखिए ठीक हो जाती है, थोड़ी सी दाल दिख रहे हैं ना तो इस तरीके से हो जाती है। थोड़ी देर भिगो देना तो दाल को बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, एक दो सीटी में जो है कि अच्छी सी बन जाती है। बस इसमें डाल देंगे हम अपना थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, हमारा दाल एकदम बन के रेडी हो गया। राइस मैं जो है कि दोपहर में बनाऊँगी, अभी नहीं बनाऊँगी, बाद में गर्मा गर्म बना लूँगी। गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स मेरा नहाना ना हो गया, थोड़ा लेट नहाई हूँ, आज हेयर वॉश करना था और सारा काम हम फिनिश हो गया, बस किचन में खड़ी हूँ क्योंकि अभी मैंने ना देखिए राइस चढ़ा रखा है, तो बस यही है। और बारिश हो रही है, झिमझिम झिमझिम हो रही है, बंद हो रही है, हो रही है बंद हो रही है, इतनी मतलब भयंकर गर्मी हो रही है ना, उमस वाली गर्मी हो रही है कि पूछिए मत। मैं जा रही हूँ ना अभी मट्ठी बनाने के लिए, तो हस्बैंड काफ़ी दिन से बोल रहे हैं कि मट्ठी बना दो। एक्चुअली ना चाय के साथ कुछ खाने के लिए रहता नहीं, तो शाम को जब भी आते हैं ना तो उनको चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए होता है। वैसे छुट्टी रहती तो लेकर आ जाते, बट वो कह रहे थे कि थोड़ा मट्ठी बना के रख दो अच्छी लगती है। तो घर की चीज़ें अच्छी तो लगती ही हैं, थोड़ा सा मेहनत तो लगती है, तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। कई दिन से सोच रही थी, मैंने सोचा चलो बना लेती, तो सब कुछ ला के रख दी हूँ, मैदा रिफाइंड वगैरह रख दी हूँ। तो इधर राइस मेरा हो रहा, जब तक चलिए मैं मट्ठी का आटा भी बना लेती हूँ, फटाफट से ना मट्ठी भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे गाइस ये देखिए मैं मट्ठी बनाने की तैयारी करने लगी हूँ, तो इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे दे रखा है। तो बस मैदे में वही जो है कि अजवाइन डाल देंगे और जो है थोड़ा सा स्वाद के अनुसार हल्का सा नमक डालूंगी मैं, स्वाद के अनुसार नहीं हल्का सा नमक डालना है। और अब जो है कि क्या डालती हूँ, कसूरी मेथी मैं 2 चम्मच अच्छे से गर्म करके ना थोड़ा सा हाथ से इस तरह से क्रश करके ना डाल देना है। बस इनको रिफाइंड ऑयल से अच्छे से पहले मोयन रेडी कर लेना है, फिर थोड़ा सा पानी डाल के गूँथ लेना है। और उधर गाइस मैंने रख दिया है आटे को जो है ना कि 2-4 मिनट के लिए थोड़ा रेस्ट पे रख दिया, जब तक मैं अपना आइसक्रीम लेकर आ गई थी कि थोड़ा सा आराम से बैठ के खा लेती हूँ। और बच्चे सब रात में ही खा लिए तो मैंने नहीं खाया था, तो मैं कि चलो आराम से बैठ के खा लेती हूँ थोड़ी देर, उसके बाद जो है कि मैं मट्ठी को फ्राई करूँगी। और यहाँ आ गई थी गाइस, तो ये देखिए बस मट्ठियों को बना रही हूँ, हाथ से भी बना सकते हो, चकला मैंने रखा तो उस पर भी दबा दबा के बना सकते हैं, फटाफट हो जाता है। लेकिन हाँ भून जो फ्राई आप करते हो ना बहुत सब्र के साथ करना पड़ता है, कि जितना आप अच्छे से फ्राई करोगे ना उतनी अच्छी आपकी मट्ठी होती है, तेज़ नहीं करना होता नहीं तो जल जाती है। मीडियम करने पर थोड़ा हो तो मीडियम साइज़ पर पहले एक बार मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था, फिर एकदम मीडियम कर दिया था, फिर धीरे धीरे जो है कि फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखिए मेरी मट्ठी भी बनके रेडी है, तो ये कुछ दिन आराम से चलेंगी। और बहुत ही खस्ता मट्ठी बनी हुई थी लेकिन एकदम गर्म थी, तो मैं आप लोगों को ऐसे देखा ही नहीं तोड़कर, तो बस ये ठंडी हो जाएगी तो इनको डब्बे में रख दूँगी। और फ्रेंड्स आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक का है, मिलते हैं कल फिर एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।